हेलो गाइस, आई एम सलाम और आप देख रहे हैं एसएस टेक्नोलॉजी। तो आज मैंने आपको बताऊंगी कैसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके, डाटा डाउनलोड कैसे होती है। ओके, तो आज ही मैंने यही बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको व्हाट्सअप डाटा डाउनलोड करने के लिए पहले आपको एक व्हाट्सअप की ज़रूरत है। ओके, जो यही देख रहा है मेरा स्क्रीन पर, जो व्हाट्सअप इंस्टॉल किया है, यही व्हाट्सअप मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है। उस लिंक से आप व्हाट्सअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस व्हाट्सअप के आइकॉन चेंज कर दिया है। ओके, तो मैंने पहले एक वीडियो डाला था इस व्हाट्सएप के आइकॉन कैसे चेंज करता है एंड टेक्स्ट भी कैसे कलर करते हैं। अगर नहीं दिखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वैसे भी देख सकती है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कैसे करते हैं। पहले आपको व्हाट्सएप ऑन कर लेना है। व्हाट्सएप ऑन करने के बाद स्टेटस पर जाना होगा, साइड में स्क्रॉल करके स्टेटस पर आना होगा। ओके, तो स्टेटस पर आके मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऑन कर लेते हैं। ओके, तो ही देख रहा है मेरा एक स्टेटस है। ओके, जो एक स्टेटस है ना, स्टेटस है, तो आपने उस स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हैं आइकॉन देख रहे हैं लोगो, यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अगर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। ओके, अगर आप वीडियो स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस वीडियो जिसकी है उस पर आ जाइए। वीडियो है, ओके, तो आइकन पर क्लिक कीजिए। आइकन पर क्लिक करके जो देख रहे हैं सेव टू ग्लैरी, मतलब ग्लैरी पर सेव हो चुका है। चलिए फिर देखते हैं ग्लैरी पर सेव हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, तो मैंने ग्लैरी पर आती हूँ, देखते हैं हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, तो हमने देख चुका है, हाँ ये जो देख रहे हैं, हाँ हो चुका है। ऐसे ही आपको व्हाट्सअप मतलब डाटा डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो गुड बाय।